आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने दौर चरम पर है। वहीं डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 84 विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर 84 क्षेत्र में चुनावी रण का आगाज किया। वही कटारा ने सिमलवाड़ा हनुमान मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के साथ अपने नामांकन भरने वाले दिन की शुरुआत की। फिर कार्यकर्ताओं की सुबह से मंदिर परिसर में भीड़ नजर आई। कार्यकर्ताओं को बैठक के बाद करीब 1 बजे ढोल नगाड़ों के साथ हजारों को तादाद में कार्यकर्ता के साथ कटारा ने अपना नामांकन सिमलवाड़ा SDM कार्यालय में नामांकन जमा करवाया। वही नामांकन के दौरान कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। खबर आपकी राजस्थान से प्रवेश जैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता दल पार्टी द्वारा दोबारा यहाँ भारतीय पार्टी प्रत्याशी के रूप में अवसर मिला, जो जनता दल पार्टी का और मेरी तमाम 84 के कार्यकर्ताओं को पार्टी का रूप आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था और सबने एकजुटता होकर एक ही प्रत्याशी का नाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक 5 साल में पहले केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस चहुंमुखी विकास की ओर 84 आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकताएं रही थी, स्कूलों को क्रमोन्नत करना, ITI खोलना, राजकीय महाविद्यालय इस 84 क्षेत्र में खोलना, नई पंचायत समिति बनाना, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाने एक चुनौतीपूर्ण काम था, हर घर तक गैस पहुँचाने का चुनौतीपूर्ण काम था, ये सब छोटे छोटे काम या बड़े बड़े काम हमने बहुत किए। सबसे बड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यहाँ पर दिया 138 करोड़ का हाई लेवल ब्रिज बनेगा यहाँ पर चिकली से संगमेश्वर पुल पर, ये बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस 84 क्षेत्र में पानी की कमी है और हम माही से या कड़ाना बैक वाटर से इस क्षेत्र को पानी पिलाने की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता।